हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार ऑटो शो। टाटा कंपनी के पास एक मिड साइज एसयूवी कार नहीं थी, इसलिए टाटा मिड साइज एसयूवी को लॉन्च करने वाला है। ब्लैकबर्ड को ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिस बेस पर टाटा की हैरियर और सफारी बनी है, जिसके अंदर टाटा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करेगा। जिस तरीके से टाटा की नेक्सोन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसको ग्लोबल एनसीएक में 5/5 स्टार रेटिंग मिली है, उसी तरीके से टाटा की ब्लैकबर्ड को भी 5/5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सके ग्लोबल एनसीएपी में, तो टाटा अपनी इस ब्लैकबर्ड को भी बेहतर तरीके से लॉन्च करेगा। तो टाटा ब्लैकबर्ड कौन सी गाड़ी को रिवील करने वाली है, इसके अंदर कंपनी कौन से इंजन ऑफर करेगी, और यह टाटा ब्लैकबर्ड किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाली है, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा की ब्लैकबर्ड काफ़ी सारी गाड़ियों को रिवील करने वाली है, जिसमें शामिल है किया की सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, निसान की किक्स और रेनो की डस्टर शामिल है। अगर हम एक तरफ देखें तो टाटा के पास नेक्सोन है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 7.5 लाख से स्टार्ट होकर 12.5 लाख रुपए तक मिल जाती है, और दूसरी तरफ है टाटा की हैरियर जो फुल साइज एसयूवी है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 13.5 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपीज तक मिल जाती है। लेकिन टाटा के पास अभी तक कोई भी ऐसी एसयूवी नहीं है जो हुंडई क्रेटा और किया के सेल्टोस के साइज की हो, तो इसीलिए टाटा अपनी ब्लैकबर्ड को लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल नेम लॉन्च नहीं हुआ है। नो डाउट भाई कि हैरियर एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन हैरियर एक फुल साइज एसयूवी होने के कारण आप इसको डेली रूटीन में, सिटी ड्राइव में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टाटा ब्लैकबर्ड जो लॉन्च होने वाली है वो नेक्सोन से थोड़े अपर सेगमेंट की हो, तो इसीलिए टाटा अपनी ब्लैकबर्ड को लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप बात करें टाटा ब्लैकबर्ड में मिलने वाले इंजन ऑप्शन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो 120 पीएस की पावर निकाल के देगा, और दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसके अंदर आपको 140 पीएस की पावर निकाल के दे सकता है, और तीसरा है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको अराउंड 150 से 160 बीएचपी पावर निकाल के देगा, जो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा अपनी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जो कि और गाड़ियों से टाटा ब्लैकबर्ड पीछे रह सके। और टाटा ब्लैकबर्ड के अंदर आपको 6-स्पीड मैनुअल और DCT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और टाटा ब्लैकबर्ड आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ ही ऑफर की जाएगी, और साथ ही साथ में आपको इसको मल्टी ड्राइविंग मोड्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो आपको ऑफ रोडिंग करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प कर ही सकते हैं वो मल्टी ड्राइव मोड्स जो आपको मिलेंगे। तो अगर आप बात कर लें इसके इंटीरियर की, तो इसके अंदर आपको डुअल टोन कलर का बेज कलर का इंटीरियर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको ब्लैक और बेज कलर का डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा, जो कि टाटा की बैजिंग के साथ 3-स्पोक स्टेयरिंग भी देखने को मिल सकता है आपको इसके अंदर, और साथ ही साथ में आपको इसके अंदर 10.25 इंच का एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बड़ा टच स्क्रीन देखने को मिल सकता है, और जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। इसके इंटीरियर में आपको 5% की सीटिंग अरेंजमेंट, आपको इसके स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, 360 डिग्री कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और वायरलेस फोन चार्जिंग, और ambient lighting तक इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और इसके अंदर आपको फ्रंट में हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिल सकती है, और रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और इसके अंदर आपको 6 स्पीकर JBL जैसे साउंड सिस्टम क्वालिटी देखने को मिल सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है JBL के सिस्टम। ये सभी शानदार फीचर आपको टाटा ब्लैकबर्ड के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं।